गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का रिवीजन करेंगे। यूनिट टेस्ट जब आपका हुआ था तो आप चैप्टर 1 और 2 का रिवीजन मैंने करवा दिया था, वही क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर लेंगे सभी लोग। थर्ड चैप्टर का देखेंगे। थर्ड चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, स्क्वायर फाइंड करना है जो नंबर्स दिए हुए हैं उसके। तो फर्स्ट पार्ट में जो दिया है ए पार्ट में क्या है 9। ठीक है, तो क्या करना है हमें, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9 × 9 इज इक्वल्स टू 81। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर इसका हम जे पार्ट ले लें, एक के पार्ट ले लेते हैं। के पार्ट में दिया है 1.2। ठीक है, सेम प्रोसेस में भी होगा, 1.2 का स्क्वायर में फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा, 1.2 × 1.2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 144। और डेसिमल 1, 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट से पहले डेसिमल प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1.44 इज द स्क्वायर ऑफ 1.2। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। हमें बताना है कि इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। ठीक है, तो हम इसमें एक फर्स्ट पार्ट लेकर करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 484। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 2, फिर 2 से जाएगा ये, फिर 2 × 2 11 से करेंगे, फिर इसको 11 बार में जाएगा ये, और 11 × 11। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 484 कितना हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2। ठीक है, × 11 × 11। ठीक है, अब स्क्वायर में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 का एक साथ पेयर बन गया और 11 11 का हो गया। क्या हो जाएगा, ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर। जितने भी इसमें प्राइम फैक्टर्स हैं सब किस में आए हैं, पेयर्स में आए हैं। तो क्या हो जाएगा, 484 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑकर इन पेयर्स। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे इसमें, सो 484 इज द इज़ परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, बाई वॉट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर्स बी मल्टीप्लाई टू गेट परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, हमें बताना है वो कौन सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जल्दी, उससे हम जो गिवन यहाँ पे नंबर दिया हुआ उसमें मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका लेंगे, थर्ड का क्या है, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 700। क्या करेंगे इसमें, फिर फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 2 से करेंगे 350, 2 से फिर से करेंगे 175, फिर हम यहाँ पे 5 से कर रहे हैं, 5 से करेंगे 35, 5 से 7 और 7 × 7। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे नीचे ऑन रिसॉल्विंग 700। ठीक है, मतलब कि 700 को सॉल्व करने पे जो इसका प्राइम फैक्टर आया है, इंटू प्राइम फैक्टर्स वी हैव, क्या मिलेगा हमें इसको प्राइम फैक्टर में करें, 700 इक्वल्स टू 2 × 2 × 5 × 5 × 7। सेम प्रोसेस में भी पेयर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो 7 है उसका कोई पेयर नहीं बन रहा है 7 का 7 के साथ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, लेफ्ट और अनपेयर्ड मतलब कि कोई उसका पेयर नहीं है यहाँ पे, सो 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, सो 700 शुड बी
मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, चेक वेदर द गिवन नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इसमें भी चेक करना है कि नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इफ नॉट देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड डिवाइडेड सो एज गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये वाला भी, इसको भी इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, दोनों एक तरीके से ही है। इसमें लार्जेस्ट पूछा है, इसमें स्मॉलेस्ट पूछा गया है, तो मैं 6 वाला ले रही हूँ। 6 वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज़ परफेक्टली स्क्वायर। ठीक है, हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 3 डिजिट का हो और वो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इसमें सॉल्यूशन नंबर 6 ले रहे हैं। क्या करेंगे हम इसमें, सॉल्यूशन स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, 10। ठीक है, और फिर क्या है, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 × 10 इक्वल्स टू 100। ठीक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर, क्या हो जाएगा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 3.1 का। एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, और सेकेंड थर्ड फोर्थ जो है उसको करेंगे अपने आप से। 5th देखेंगे, इवेलुएट 21² - 20². ठीक है, एक आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, क्या था आइडेंटिटी, a² - b² इक्वल्स टू क्या होता है, a + b × a - b। ठीक है, हम इसी से सॉल्व करेंगे इसको, और क्या हो जाएगा, ये इसी फॉर्मूले पे रखेंगे हम, यहाँ पे ए की प्लेस पे 21 है और बी के प्लेस पे 20 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ए प्लस बी मतलब कि 21 + 20 मल्टीप्लाई 21 माइनस 20। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हमारा, 41, और यहाँ पे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 1, कितना आ गया आंसर, 41। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 21 का स्क्वायर फाइंड कर लें और 20 का स्क्वायर फाइंड करके फिर माइनस कर लें, ये शॉर्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं, बाकी करेंगे इसी तरीके से। सॉल्यूशन नंबर 7, ठीक है, क्या है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ। ठीक है, बिना ऐड किए इसका भी सम फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन नंबर 7। ठीक है, ऐड नहीं करना है, इसे हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो इसमें दिया है क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि जो सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो कितना होता है, एन स्क्वायर होता है, मतलब जो उसके बाद में फर्स्ट पार्ट जो है ये दिया हुआ है हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, तब सॉल्व करेंगे इसमें,
क्या हो जाएगा इसका सम ऑफ कितने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कितने हैं ऑड नंबर 6 है तो यह हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर ठीक है 6 क्या हो जाएगा ये 6 स्क्वायर मतलब कि 6 × 6 = 36 आंसर ठीक है फर्स्ट जो ऑड नेचुरल नंबर होंगे उनका सम क्या होगा जितने नंबर्स होंगे ये उतने का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा अगर इसको प्लस भी करेंगे तो 36 आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है तो 8 वाला कर लेंगे 9 बता रही हूँ मैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है फर्स्ट है इसमें ए पार्ट 3, 4, 5 चेक करते हैं इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं तो सॉल्यूशन नंबर 9 का ए पार्ट है 3, 4, 5 ठीक है क्या करेंगे हम इसमें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर ठीक है ये होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है इसमें हम क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे एम इक्वल टू 3 एन इक्वल्स टू 4 एंड पी इक्वल्स टू 5 यहाँ पे चेक करेंगे इसी फॉर्मूले पे रख के हम लोग तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर एम की वैल्यू कितनी है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस एन कितना है 4 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर ठीक है कितना हो जाएगा ये हमारा 9 प्लस 16 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 इन दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 25 = 25 ठीक है यहाँ पे दोनों इक्वल्स है इक्वल है इसका मतलब क्या हो जाएगा सो 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ठीक है बाकी क्वेश्चंस इसमें है जो कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं 3.3 है एक्सरसाइज इसमें थर्ड क्वेश्चन देखेंगे 3.3 का देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 3.2 का फर्स्ट पार्ट में इसमें क्या करना है इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है ये आइडेंटिटी यूज़ करके हमें इसे फाइंड करना है तो यहाँ पे 23 का स्क्वायर लिखा है हमें इसे ए प्लस बी के स्क्वायर में तोड़ना है तो हम इसे क्या कर देंगे 20 + 3 का स्क्वायर अब ए के प्लेस में 20 है और बी के प्लेस में 3 है इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे ए स्क्वायर मतलब कि 20 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × a कितना है 20 और बी 3 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर ठीक है कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 400 प्लस 120 प्लस 9 ठीक है ऐड कर लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 529 आंसर ठीक है इसी तरीके से सारे पार्ट करें सेम इसमें फोर्थ में भी है आइडेंटिटी यूज़ करके करना है हमें इसमें a माइनस बी का स्क्वायर करना है तो इसमें फर्स्ट वाले में क्या है 39 का स्क्वायर है तो इसको हम लिख लेंगे 40 - 1 का स्क्वायर करके इस फॉर्मूले पे हम पुट कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो है टॉपिक स्क्वायर रूट है एक्सरसाइज 3.4 देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 का मैं सॉल्यूशन नंबर 4 बता रही हूँ क्या है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई लॉन्ग डिवीजन मैथड ठीक है लॉन्ग डिवीजन मैथड से हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो किस तरीके से करेंगे अभी तक हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से कर रहे थे तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 676 है तो इसमें हम क्या करते हैं पीछे से दो दो नंबर का पेयर बना लेते हैं ठीक है यहाँ पे 7 और 6 का पेयर बन गया ठीक है इस तरीके से करेंगे इसको ठीक है अब ये नंबर जो 6 है इसमें हम देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करें सोचेंगे तो 2 × 2 कितना होता है 4 ऐसा नंबर लेंगे हम जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और वो 6 से कम है तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा और 3 × 3 = 9 तो 3 ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 2 से लेकर जाएंगे तो 2 × 4 2 यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा 4
माइनस करेंगे तो 256, और जो यहाँ 2 हमने ऊपर लिखा है इसको हम लाके नीचे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4 के यहाँ पे हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको हम उसे मल्टीप्लाई करें तो 276 आ जाए। तो अगर हम 46 में यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 लिख के 6 से ही मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 276। यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे भी 6 लिया, तो 46 6 का कितना होता है 276। ठीक है, अब क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 676 इक्वल्स टू 26 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बी पार्ट है इसका, 1225 है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस, दो दो का पेयर बना लेंगे, यहाँ पे 25 का बन गया और यहाँ पे 12 का। यहाँ पे हम अगर करते हैं तो 2 जा 4 है, 3 जा 9 और 4 जा 16, मतलब 4 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 जा 9, 3 यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे इसमें तो कितना आएगा 3 और ये 25, दो नंबर एक साथ में यहाँ पे उतारते हैं तो 25 यहाँ पे ये आ जाएगा, और इस 3 को यहाँ पे ऐड कर देंगे 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे मतलब कि हमें 5 से ही लेकर जाएंगे, तो 5 है तो 95 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते कितना आ जाएगा, 5 2 3 3 6 हो गया, सॉरी 6, तो 65 है तो ये हो जाएगा 5 बार 65 5 जा 2 325 आंसर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125 इज इक्वल्स टू 35 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे हमें, 3481 सी पार्ट है, 3481 है, इसमें भी यही करेंगे, 3481 में दो का पेयर बनाएंगे, इसमें 8 और 1 का और 3 और 4 का, इसमें ले जाएंगे हम दो 5 5 जो 25 हो जाएगा, 25 34 से छोटा है, उसके बाद में 6 से ले जाए 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 5 से लेकर जाएंगे, 5 5 5 जा 25 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9 और ये 8 और 1 यहाँ पे उतार लेंगे दो नंबर का, 5 को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हम कितने बार ले जाए इसको 9 बार लेकर अगर जाते हैं, 109 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 981। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3481 कितना हो जाएगा 59। इसी तरीके से इसके सारे पार्ट करने हैं, तो एक्सरसाइज 3.4 में बाकी क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4th पढ़ेंगे सभी लोग, बाकी एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, या तब तक के लिए आप लोग एक्सरसाइज 3.1 2 3 के क्वेश्चन जितने भी रिवीजन में करवाए हैं वो हाफ ईयरली के लिए पढ़ेंगे।